क्या कहेंगे आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार जो है ये कार्यक्रम चल रहा है, देख रहे हैं आपके पंचायत में खूब भीड़ हुआ है। हम आपके प्रखंड अभी सूत्रीय अध्यक्ष जी से भी पूछे, बोले कि नहीं ये हर जगह हो रहा है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ है जी। प्रचार प्रसार लगता है खूब किए थे नहीं जी। सबसे पहले मीडिया सभी बंधुओं को हार्दिक स्वागत करते हैं आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में। और माननीय मुख्यमंत्री की ये महत्वाकांक्षी योजना बहुत लाभकारी योजना है, और प्रचार प्रसार के माध्यम से हर एक योजनाओं का लाभ हमने विभिन्न गांवों में ग्राम सभा करके दिए हैं, और हर स्टॉल में आवेदन भी यहां पर जमा करवाए हैं। लेकिन सरकार से हम मांग करते हैं कि जो भी आवेदन गए हैं वो जो है सही से निष्पादन हो। गरीब जो आशा लगा करके, जैसे अबुआ आवास है, सावित्रीबाई फुले गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, सर्जन पेंशन, बूढ़ा बूढ़े विधवा का जो भी है, वो अगर सही तरीके से नहीं होता है तो कुल मिला जुला करके हम सभी मुखियागण जो भी मेहनत किए हैं वो सब पानी फिर जाएगा, और हम लोग बदनाम हो करके फिर आगे जो है सो हम लोग जगह भी नहीं मिलेगा। इसीलिए हम आशा करते हैं कि वीडियो मैडम से भी हम विनती करते हैं कि ये जो भी आवेदन जमा हुए हैं ये शिविर के माध्यम से सभी सबों को लाभ मिले, सही से निष्पादन हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हमें अपने बात समाप्त करते हैं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार को लेकर क्या कहेंगे? आपकी योजना, आपके सरकार जो चल रहा है बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है, लेकिन केंद्र से हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा भी विकसित संकल्प यात्रा का कार्यक्रम 13 तारीख से शुभारंभ हो चुका है, जो हमारे 6 पंचायत में हो गया है। आज चपुआडी में है, सेकंड टाइम में आपका खरगड़िया पंचायत में है, लेकिन मैं वहां नहीं जा पा रहा हूं, मैं अपने आदमी को लगा चुका हूं। और इस तरह का टेबल नहीं हम लोग केंद्र से ही मिला है, नुक्कड़ नाटक के जैसा गाड़ी में ही चल रहा है सारा चीज़, और लगा के हम लोग तंबू वगैरह गाड़ के टीवी एलईडी सब सारा व्यवस्था है। जितने मोदी जी के द्वारा कार्यक्रम हुआ है अभी तक जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो उस कार्यक्रम को धरातल पर उतारने के लिए बताया जा रहा है। अभी मैं कुछ देर पहले सीओ सर और हम बात वार्ता कर रहे थे, जो मैं चाहता था वो सीओ सर के मुख से निकला। मैं इनको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि डोर टू डोर हम सभी से चाहते हैं, वार्ड से, मुखिया से, एक एक घर आप लोग घूमिए, और किसको पेंशन नहीं मिल रहा है, किसको राशन नहीं मिल रहा है, किसको पानी नहीं मिल रहा है, कि किसको क्या चीज़ का दिक्कत है, सारे चीज़ों से अवगत होइए और उनको धरातल पर उतारने का काम कीजिए। नहीं तो सुरेंद्र लाल पूरे पंचायत बेंगाबाद प्रखंड का ही नहीं, 2500 पंचायत में बल्कि झारखंड के सभी पंचायत में, सभी जिला में घूम के इस काम को धरातल पर उतारने का काम करूँगा। और ये मत सोचिए कि ये कार्यक्रम सिर्फ अभी चलेगा, सालों भर चलते रहेगा। जिस तरह से हम लोग LIC में क्वार्टरली बोनस डालते हैं उसी तरह से 12 महीना ये कार्यक्रम चलेगा। क्या नाम है भैया आपका? चेतू मुर्मू। कैसा लग रहा है ये जो आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का? बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। अच्छा है जी, लगना चाहिए ऐसा। हाँ जी। क्या कहेंगे इस आयोजन को लेकर? जो भी कर रहा है वो पब्लिक के लिए, अच्छे के लिए, सुविधा के लिए कर रहा है, और हमले के लिए ठीक है कर रहा है। क्या नाम है आपका? छायावती देवी। एक बात बताइए, जो सरकार जो आयोजन कर रही है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, ये कैसा है? थोड़ा सा सराहनीय ही है, लेकिन लोगों को जितना बोला जाता उतना कुछ तो मिलता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर सरकार अपने घर आंगन तक आए हैं, अगर सारा विभाग का स्टॉल लगा हुआ है, तो लोगों को जो फर्ज है वो तो करना ही चाहिए, तो उसके लिए सरकार को धन्यवाद ही देंगे। सरकार को धन्यवाद देंगे। हमारे जैसे PSC के थ्रू से हम हैं, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का हम क्लस्टर कोऑर्डिनेटर हैं। अच्छा। तो हम लोग को थ्रू से भी यहाँ पे आज 54,50,000 का चेक वितरण किया गया है। हाँ। और हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं लोगों को 750 ID कार्ड वितरण किया गया है। सब ठीक है, सब बढ़िया है। हाँ। अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लग रहा है। हाँ। काम होगा तब ना। काम होगा तब ना, एक सवाल है। अच्छा चलिए, क्या कह रहे हैं? प्रत्येक साल देते हो, हमने देखे जा रहे हैं, कुछ होबे नहीं करता है। चलिए ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ तो संतुष्ट लायक काम नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हो रहा है काम। चलिए, कम से कम पदाधिकारी आपके पंचायत आए हैं। हाँ, ये तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात।